नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। व्हाट्सएप पे स्टेटस रखने के चलते हुए विवाद ने ले ली एक महिला की जान। मृतका के परिवार ने अंतिम संस्कार नहीं किए जाने का लिया प्रण। आज के डिजिटल जमाने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर स्टेटस रखना हर कोई पसंद करता है, लेकिन पालघर के बोईसर में उसी व्हाट्सएप स्टेटस ने एक महिला की जान ले ली। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बोईसर थाना क्षेत्र में अपराध की ऐसी ही एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां बोईसर पुलिस थाने के सूत्रों के अनुसार एक परिवार की लड़की ने अपने मोबाइल में अपने व्हाट्सएप पर कुछ स्टेटस रखा था, जिसको लेकर उस लड़की की परिचित दूसरी लड़की ने उस स्टेटस को अपने खिलाफ लिखा गया समझा और अपने परिवार को उस स्टेटस रखने वाली लड़की की शिकायत कर दी, जिस कारण दोनों परिवार में विवाद हो गया जो मारपीट में बदल गया। इस मारपीट में स्टेटस रखने वाली लड़की की मां लीलावती देवी प्रसाद को गंभीर चोट लगने से अस्पताल ले जाया गया, जहां अस्पताल में लीलावती देवी की मौत हो गई। लीलावती देवी की मौत के बाद उनके पति और बेटी ने कहा कि जब तक बोईसर पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर लेती, तब तक शव का दाह संस्कार नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि बोईसर के शिवाजी नगर नई बस्ती की 48 वर्षीय लीलावती देवी की यकबाल प्रसाद को तुंगा अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। लीलावती देवी की मौत के पीछे लीलावती देवी की लड़की द्वारा अपने मोबाइल व्हाट्सएप स्टेटस पर मैसेज पोस्ट करने को जिम्मेदार बताया गया है। मृतका की लड़की ने दिए अपने बयान में कहा कि उसने अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया था, जिस कारण उसका दूसरी एक सहपाठी के साथ कॉलेज में झगड़ा हो गया, जो बढ़कर शिवाजी नगर की नई बस्ती में जा पहुंचा। बोईसर पुलिस द्वारा मामले में गैर सदोष मनुष्य वध का मामला दर्ज किया जाने की जानकारी भी सामने आई है। वीडियो में आगे सुनिए मृतक के परिवार वालों की जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति प्रसाद है। हाँ। और मैंने व्हाट्सएप पे एक स्टेटस लगाया था, और जैसे कि व्हाट्सएप एक सोशल मीडिया है तो कोई भी उसको पर्सनली नहीं ले सकता अगर उसका नाम मेंशन नहीं है तो, ठीक है। तो मैंने स्टेटस लगाया तो उस लड़की ने पर्सनली ले लिया, जबकि उस स्टेटस में कुछ गलत बात भी नहीं थी, और मुझे कॉल किया और दो लोग मिलके आके मेरे साथ झगड़ा किए। दो लोग थे तो ऑब्वियसली ज़्यादा मार मुझे ही लगा होगा। फिर वापस घर पे आके झगड़ा किया, पुलिस स्टेशन में गए, पुलिस स्टेशन ने कुछ कार्रवाई नहीं की, छोड़ दिया दोनों को। तो इसका उसने वापस आके मेरे घर पे मेरी मम्मी को और पूरी फैमिली को मारा विद, उसने पूरी परिवार के साथ, 7-8 लोग आए थे और घर पे 3 लोग थे। तो हम के अंदर रात के साढ़े सात बजे वो लोग आए थे मारने के लिए। 7:30 बजे पूरा अंधेरा रहता और मैं गली में रहती हूँ, गली के सबसे लास्ट घर मेरा है, तो वहाँ कोई था भी नहीं। और मेरी मम्मी शुगर पेशेंट है, तो मम्मी को इतना मारा, सर के बाल नोच लिए और पत्थर से मुंह फोड़ दिया पूरा, आंखें नोच ली, बहुत मारा मेरी मम्मी को, जिस वजह से मेरी मम्मी की डेथ हो गई। तो अब मुझे इंसाफ चाहिए, उन सबको फांसी की सजा होनी चाहिए, सबको, उन्होंने मिलके मेरी मम्मी को मारा। अभी डेड बॉडी आप क्यों नहीं ले रहे, क्या हुआ? हमको इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। मेरी माँ मर गई उनके मारने से, और कोई किसी के घर में घुस के इस तरह कैसे मार सकता है? जेंट्स होके लेडीज पे हाथ उठाया, पत्थर से मारा मेरी मम्मी को, बाल नोच लिए सर के, इतनी छोटी बच्ची को इतना मारा है, यहाँ घाव, मेरा कान नोच लिया, इसके पूरे सर के बाल नोच लिए। ये मम्मी को बचाने गई तो इसके पीठ पे कितना मारा मुक्कों से, इसका जवाब कौन देगा? हमको इंसाफ चाहिए, सबको फांसी की सजा होनी चाहिए, मेरी मम्मी की डेथ हुई है। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं